अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी YouTube फैमिली। अल्लाह आप सबको अपने घरों में अपनी रहमत और आफ़ियत की नज़र में रखे। तो आज मैं अपनी अम्मी की बहुत ही जो फेवरेट जो सारी फैमिली में थी, उसको हम पंजाबी में गोगियाँ कहते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये ईद का मीठा है जो हमारे घर में लाजमी बनता था, ठीक है। तो आज उसकी रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चले अब मैं जो है वो चाशनी आपको बनाना जो है ना वो बताती हूँ। चाशनी जो है वो ना ठीक होती है, ना एक तार वाली बनानी है, और ना जो है वो आपने जो है वो चिपचिपी जो होती है वो बनानी है। आपने इसको बस इतना करना है कि ये थोड़ी सी ना थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाए, और थोड़ी सी जो है वो लिक्विड ही ज़्यादा, इतना जो है ना वो थिक नहीं इसकी होती, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो कप जो है वो चीनी डाली है, और उसके साथ ही मैंने जो है वो पानी 3 कप डाला है, और साथ एक दो इलायचियाँ जो है ना वो खुशबू के लिए आप डाल दें, नहीं डालनी तो आप ना डालें, ठीक है। आप गोगियों का बैटर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने जो है वो तकरीबन 3 कप जो है मैंने ये मैदा लिया है, ठीक है। उसके अंदर हाफ से भी पिंच ऑफ जो है ना वो आपने मीठा सोडा डालना है, और उसके बाद जो है ये आपने इसको मिक्स कर लेना है, और 2 चम्मच घी डालना है। घी डालना है, ऑयल नहीं डालना, उसकी फिर जायका नहीं इतना अच्छा आता, ठीक है। 2 चम्मच जो है ना ऑयल डाल के आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो हाथों से इसको मसल लेना है। मसलने के बाद फिर जब ये अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी कि घी सारे में मिक्स हो चुका है, तो उसके साथ ही आपने जो है ना दही से ये बैटर बनेगा, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने जितनी भी ज़रूरत की दही होगी ना वो आपने ले लेनी है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इस पर कितनी दही लगी है, ठीक है। मैंने 1 कप जो है बड़ा भर के लिया हुआ, तो इसके ऊपर तकरीबन 1/2 कप जो है वो दही लगी है। इस बैटर को आपने अच्छी तरह से सॉफ्ट सा गूंदना है, इसको रोटी की तरह नहीं गूंदते, ये थोड़ा सा ऐसे चिपचिपा सा होता है, ठीक है। ये आपने उसको बैटर को जो है ना मैं अभी आपको रेडी करके, तो फिर आपको उसकी लुक से ही समझ आ जाएगी, ठीक है। ये इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने जो है ना इसको अब रेस्ट के लिए 10 मिनट आपने छोड़ देना, ठीक है। चलिए अब आपको मैं चाशनी की लुक दिखा देती हूँ, ना ये ज़्यादा ठीक है ना। अब ये बस बिल्कुल डन है, ठीक है। इसको मैं बंद करने लगी। अब घी डालना है इसमें, और मैं प्रेफर करूँगी घी को ही, ऑयल में इसका टेस्ट नहीं अच्छा आता, ठीक है। ये गर्म हो रहा है, साथ ही देखें कि थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगाया, और इस तरह इसकी कोई भी आप रेंडमली जो भी आपकी शेप बनती हो ये खुद ही जो है ना वो ठीक हो जाती है जब घी में जाती है। तो इसको बस अपने हाथों के ऊपर उंगलियों के ऊपर थोड़ा सा कर लेना है, प्रेस करना है, और इसको साथ साथ आपने गर्म ऑयल के अंदर डालना है, ठीक है। दोनों साइड्स आपने इसकी जो है ना वो अच्छी तरह ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होगी, तो फिर मैं आपको इसको लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। ये देखें अब एक साइड गोल्डन होगी, अब मैं इसकी दूसरी साइड जो है ना वो इसी तरह गोल्डन कर लूँगी। ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गई है, तो अब इसको हमने जो चाशनी बनाई थी उसके अंदर हम इसको निकाल के तो डालते चले जाएंगे, ठीक है। इन सारों को आपने जब डाल दिया इसको, तो फिर आपने एक फोक लेनी है, ठीक है। एक फोक लेके तो मैं उसको, मैं ये देखें इसके साथ आपने ऊपर से हल्का हल्का इसको प्रेस करना है बीच में थोड़ा थोड़ा, ताकि उसके अंदर जो है ना वो चाशनी अच्छी तरह चली जाए। और हार्डली दो मिनट जो है ना इसको आपने ऐसे ही रखना है, उसके बाद फिर इसको आपने प्लेट में निकाल लेना, ज़्यादा देर इसको सोक नहीं करना। ये देखें अब ये निकाल ली मैंने, तो मैं इसको इसकी अब आपको फ़ाइनल लुक जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। देख लें इसकी फ़ाइनल लुक है, मैंने उसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड्स डाले हैं। अगर आपने नहीं डालने तो आप बेशक स्किप कर दें, ये वैसे भी बहुत डिलीशियस बनती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, तो ईद पर ये ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फिर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।